मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। और हमेशा गूगल मैप पर यकीन मत कीजिए, हमें देखिए रास्ते में बंदर देखने 2 घंटा लग गया था। बाहर आपको एक अलग ही फील देता। अभी हम लोग एयरपोर्ट पर चाय पीने के लिए बैठे, डालकुला के जैम पे फंस गए थे। फाइनली हम लोग रायगंज पहुंच गए। तो अभी हम लोग डाउ हिल से निकलने वाले। यह का रोड देखिए गाइस कितना छोटा है। बाय द वे हम जब आए थे तो किसी दूसरी रोड से आए थे, लेकिन अभी हम लोग किसी और रोड से जा रहे हैं। आने वाले रास्ते का वीडियो ऊपर आई बटन पर लिंक होगा। और हमेशा गूगल मैप पर यकीन मत कीजिए, हमें देखिए किसी ऐसी जगह पर चला है यहाँ पर कोई रोड ही नहीं है। फिर हम लोगों ने लोगों से हेल्प लेने के बाद रास्ता ढूंढ लिया। और अभी हम लोग काशिंग सिटी से होकर नीचे जा रहे हैं। और ये देखिए हमें रास्ते में बंदर देखने को मिला। तो दोस्तों अभी आप लोग सुकून भरे रास्ते का मजा लो। तो यहाँ पर चलते चलते मुझे एक गाना याद आ गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। शायद आप लोगों के दिमाग में भी कोई ऐसा सॉन्ग याद आ रहा होगा जो कि यह का वाइब के साथ मैच करता है। और हाँ, हम जब पहाड़ चढ़े थे तो लगभग 2 घंटा लग गया था, और जब नीचे जा रहे थे तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग नीचे पहुंच गए। लगभग आधा घंटे में हम लोग नीचे पहुंच गए। यह का व्यू देखिए गाइस, लोग यूं ही नहीं कहते कि पहाड़ के प्यार में पड़ गए। पहाड़ आपको एक अलग ही फील देता है, जो एक बार आ गया उससे दोबारा यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो सामने कुछ देर चलने के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे। गाइस अभी हम लोग पहाड़ से नीचे जहाँ पर चले आए हैं और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अपने बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग ऐसे खाने शायद जा सकते हैं सिलगुड़ी पे। और ये इसी जगह पे हम लोग फोटो खींचे थे, फोटोशूट किए थे जाने के वक्त। अच्छा लगता है इस प्लेस को। तो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। तो फिर से हम लोग उसी जगह चले आए हैं जहाँ से हम लोग कर्शियंग रोड घुसे थे। और ये सामने वो बालासन ब्रिज है जहाँ से हम लोग आए थे। गाइस अभी हम सिलीगुड़ी पे हैं और यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं। देखते हैं क्या खाते हैं। गाइस अभी हम सिलीगुड़ी के शिव मंदिर के आसपास है, यहाँ पर हमारा लंच किया। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा रायगंज। तो चलिए चलते हैं। तो खाना होने के बाद निकलते निकलते 4:30 बज गए थे। तो सामने ही अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए रोशनी रहते रहते बाइक को थोड़ा स्पीड भगाना पड़ा था। तो हम लोग इस्लामपुर बाईपास को पार करके यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे क्योंकि बाइक का इंजन बहुत गर्म हो चुका था। और यहाँ पर देखिए टापलू तो अलग ही मस्ती पर है। तो अभी हम लोग किशनगंज से जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग किशनगंज पार करके यहाँ पर डालकुला के आगे पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा निकल लेते हैं। बहुत लाइट नाइट वैसे भी, और मेरा ये ग्लैमर का तो उतना हेडलाइट का पावर भी नहीं है, तो थोड़ा रिक्स से आना पड़ता है। लेकिन राइड करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या बोले कोई ऑप्शन नहीं था। तो ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा चाय पीने के लिए बैठे मतलब सोए हैं क्योंकि बहुत थक गए हम लोग। और ये तो सो ही गया। हेलो गाइस, बोलने का पावर नहीं। तो ठीक है, मैं भी चाय पीकर आप लोगों से बात करता हूँ बाद में। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने के बाद निकल रहे हैं, और ज़्यादा शायद वीडियो नहीं कर पाऊँगा, बहुत टायर्ड हूँ। तो निकलते हैं अभी, बाद में बात करते हैं जहाँ पर भी होगा।
और यहाँ पर हम लोग डालकोला के जैम पे फंस गए थे। ट्रक का लाइन देखिए, वो तो हमारे पास बाइक है इसलिए हम लोग जैसे तैसे निकल रहे थे। बस ये डालकोला का बाईपास तैयार हो जाए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तब शायद यातायात करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें रात को जाने में प्रॉब्लम तो हो रहा था क्योंकि हमारा ग्लैमर का लाइट का उतना ज़्यादा पावर नहीं है। देखिए पर डालकोला के गेट रेलवे पे जाम हुआ है बहुत, रेल जाएगा उसके लिए बहुत जाम हुआ है। तो चलिए वेट करते। तो रेल गेट खोलने के बाद हम लोग सीधा डालकोला से रायगंज के लिए चल पड़े और फाइनली हम लोग रायगंज पहुंच गए। और तब शायद टाइम था 9:15। ये है हमारा पोस्ट ऑफिस मोड़ और सीधा आप लोगों से घर पे जाके बात करते हैं। गाइस तो अभी जस्ट मैं घर चला आया हूँ, अभी टाइम है 9:30 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ और वीडियो में बहुत ही ख़राब बना है इसके लिए सॉरी। पहली बार गया दूर और हिंदी मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा अटक गया, मुझे पता नहीं क्यों। और सबसे ख़राब बात मेरा ट्राईपॉड, मतलब मेरा जो ट्राईपॉड है गुम हो गया, तो उसके लिए भी थोड़ा मन मतलब दिल दुखी था। तो जो भी जैसे भी लगा वीडियो, पहले कुछ था बनाने की कोशिश किया लेकिन बाद में उतना अच्छा नहीं हुआ, जो भी हो। तो जैसे भी लगा वीडियो तो बताना कमेंट पे, लेकिन सबसे मेन बात वो जगह जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर ज़रूर जाना, बहुत अच्छा जगह है और वहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए। और जो डाओ हिल वाला जो प्लेस है वो एक अलग ही फील देता है, वो हॉन्टेड फिल्म, हॉन्टेड जो फिल्म है उसका जो प्लेस है वो वाला फील देता है आपको। और फील क्या मतलब, कुछ लोग तो कुछ मतलब फील किया है तो ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।